रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूँ आरजे पल्लवी और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग से वेल नोन डॉक्टर सीनियर डॉक्टर एओआई इंस्टीट्यूट नागपुर डॉक्टर ए के गंजो. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू. हेलो. या सो प्लीज सर लिसनर्स को आपके बारे में बताइए, लाइक प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वेल, मैं डॉक्टर अवतार कृष्ण गंजू, सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट at American Oncology Institute, working as, you know, I deal with blood and blood diseases, blood cancers, etc. And I'm working there. Okay. So, sir, हम बात कर रहे हैं World Lymphoma Awareness Day के बारे में. So, इसको please हमारे listeners के लिए, like, can you please brief? Lymphoma awareness basically इसलिए आया कि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि lymphoma क्या है, especially patients को उसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि ये बीमारी हालांकि है ब्लड कैंसर मगर इसका आज अच्छा इलाज हो सकता है. और जब हम सब मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट्स को भी वो अपनी बीमारी के बारे में पूरा मालूम होता है, पूरी जानकारी होती है और फिर उस बीमारी के साथ किस तरीके से लड़ा जाता है, पेशेंट और डॉक्टर मिलकर कैसे लड़ते हैं इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं ताकि उनको हम उनके मोराल को बूस्ट कर सकें. जब पहली बार मालूम पड़ता है कि ऐसी बीमारी है तो यूजुअली पेशेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम ये अवेयरनेस लिम्फोमा अवेयरनेस डे शुरू किया गया है. ऑलराइट, सो सर ये लिम्फोमा जो है इसके कॉजेस क्या है? देखिए, लिम्फोमा के कॉजेस के बारे में तो डॉक्टर्स को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है क्लियरली. हालांकि बहुत सारी थियोरीज हैं, बहुत सारे रिसर्चेस हैं मगर उसके बारे में हमें क्लियर नहीं है. मगर इतना मालूम है कि लिम्फोमा ये कैंसर है, यानी कि लिम्फोमा सेल के जो कि नॉर्मल सी ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें एक सेल इसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये वाइट सेल्स होते हैं. तो ये लिम्फोसाइट जो होते हैं जब इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और ये डीएनए में अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि ये सेल्स जो है जो नॉर्मली डिवाइड होते हैं और एक टाइम के बाद में उनका डिवीजन बंद हो जाता है, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं क्योंकि इनको रोकने की जो सेल की जो ताकत होती है वो नहीं रह जाती. तो म्यूटेशंस के कारण, अब ये म्यूटेशन कैसे होते हैं, ये कोई केमिकल हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या जैसे कि हमने ये देखा गया कि एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम में जो रेडिएशंस आती हैं तो रेडिएशंस हैं. तो ये सब कॉजेज के बारे में इंक्रीमेंट किया गया है कि इसकी वजह से लिम्फोमा हो सकता है मगर एक व्यक्ति को किस से हुआ ये नहीं पता. जी तो अगर ये जब ये लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फ नोड बड़े बड़े दिखाई देते हैं, अभी लिम्फ नोड्स नेक में दिखाई देते हैं या आर्मपिट्स में होते हैं या ग्रोइन में होते हैं, तो इस तरीके से वो पेशेंट को पहली बार मालूम पड़ता है कि उसके गले में कुछ गिल्टियां आ गई है, तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाता है. या अगर ये डिजीज प्रोग्रेस होता है तो ये ये बोन मैरो में जा सकता है, ये स्प्लीन में जा सकता है, ये लिवर में जा सकता है, तो उसके हिसाब से लिवर स्प्लीन बढ़ जाते हैं उनके. अगर बोन मैरो इन्वॉल्व होती है तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, WBC कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है, इस तरीके से वो डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल RBC जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसको वीकनेस आ गई, काफी वीकनेस आ जाती है. अगर उसका WBC कम हो गया तो WBC तो हमारा इम्यून सेल है जो हमारी रक्षा करते हैं बाकी इन्फेक्शन से, तो ऐसी स्थिति में उनको बुखार आना शुरू हो जाता है. और अगर प्लेटलेट कम होते हैं चमड़ी पर लाल निशान आते हैं जो ब्लीडिंग का निशानी होती है. प्लेटलेट का काम है ब्लीडिंग को रोकना. जब प्लेटलेट कम होते हैं तो परप्यूरा इकाइमोटिक पैचेस स्किन के ऊपर में आ जाती है. तो बेसिकली पेशेंट अगर सिर्फ लिम्फ नोड में है लिम्फोमा तो लिम्फ नोड से इलाज हो जाएंगे और लिम्फ नोड के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, उसको काफी वीकनेस होगी और वीकनेस होगी या उसको फीवर भी आ सकता है, इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं. जब वो डिजीज एडवांस होता है तो फिर डिफरेंट भिन्न भिन्न तरीके के सिम्टम्स उसको आते हैं, जिस तरीके से फीवर है, वेट लॉस है, हीमोग्लोबिन कम होना है, WBC कम होना है, प्लेटलेट कम है, उस तरीके से आता है. So, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है सर? इसके लिए सबसे पहले तो ये जो क्लिनिकली जब डॉक्टर देखते हैं तो लिम्फ नोड देखते हैं, तो उस फिर लिम्फ नोड गले के एक साइड में है, दोनों साइड में है, या फिर एक्सिला में भी है, या इंग्वाइनल कैनाल में, इंग्वाइनल एरिया में भी है, तो कोई भी एक लिम्फ नोड को बायोप्सी निकाला जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है. उसको टेस्ट करने से मालूम पड़ता है कि इसके अंदर
कि इसके अंदर लिम्फोमा है। इस लिम्फोमा को फर्दर कैरेक्टराइज करने के लिए इसके इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री होती है, यानी कि ये सेल के ऊपर जो सर्फेस एंटीजन होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, भिन्न भिन्न किस्म के प्रोटीन्स होते हैं ये कैंसर सेल के ऊपर में, उसके हिसाब से उसको उसको फाइंड किया जाता है कौन सा प्रोटीन है, उसके लिए इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री की जाती है, उसके एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से उस डिजीज का डायग्नोस होता है कौन सा टाइप का लिम्फोमा है। क्योंकि लिम्फोमा के बहुत सारे प्रकार हैं, मेनली दो प्रकार होते हैं, एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है और एक हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के फर्दर कैरेक्टराइजेशन है, उसी तरीके से हॉजकिंस लिम्फोमा के फर्दर कैरेक्टराइजेशन है। फर्दर कैरेक्टराइजेशन के लिए स्पेशली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। और फिर ये डिजीज कितना फैला हुआ है, तो उसके लिए फिर हमको इमेजिंग करनी होती है। इमेजिंग बोले तो एक्सरे करेंगे, उसका एमआरआई करेंगे, पेट स्कैनिंग करेंगे, और इस बीमारी ने शरीर के बाकी अंगों में कोई असर तो नहीं डाला, उसके ब्लड पर कोई असर तो नहीं डाला, तो उसके लिए सीबीसी करेंगे, उसका लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो मेनली जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो होते ही होते हैं, और डिजीज डायग्नोसिस के लिए लिम्फ नोड की बायोप्सी होती है, और डिजीज के फैलाव को देखने के लिए उसका एमआरआई और पेट स्कैन एक्सेट्रा होता है। तो इस तरीके से वो डायग्नोस होकर उसका एक्सटेंट देखा जाता है। ओके, सो जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनको लिम्फोमा है, तो ये क्या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं सर? देखिए, आज लिम्फोमा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर पेशेंट को हॉजकिंस लिम्फोमा आता है और हॉजकिंस लिम्फोमा के लोअर स्टेजेस में है, तो ऑलमोस्ट ये क्यूरेबल डिजीजेस है। 80-90% हॉजकिंस लिम्फोमा कैन बी क्योर टुडे, डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट स्टेज यू डिटेक्ट एंड उसका मतलब उसकी स्टेजिंग किस तरीके की है। उसी तरीके से नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी आज रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर एवरेज देखा जाए सारे लिम्फोमा को मिला के, तो 70% लोगों को हम पूरा क्योर कर सकते हैं। और ये क्योर करने के लिए जो दवाइयां हैं, पहले हम लोग कीमोथेरेपी दिया करते थे, उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं, 10-15% लोग बचते थे। अभी कीमो इम्यूनोथेरेपी है, यानी कि यहाँ पर हम एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। कैंसर सेल का एक जो प्रोटीन, जिस तरीके से हमने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री किया, तो प्रोटीन डिटेक्ट किया हमने कौन सा प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी एक प्रकार की मिसाइल होती है, ये टारगेटेड होती है, ये डायरेक्टली उसी सेल, उस सेल के ऊपर में जहां वो प्रोटीन होगा वहीं जाके वो अटैक करेगी और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरीके से कीमो इम्यूनोथेरेपी का आई, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। आज हम 70% लोगों को ठीक कर सकते हैं, और अगर बीमारी वापस भी आती है, उसके लिए भी, वापस होने के बाद में भी, रिलैप्स के लिए भी आज ट्रीटमेंट है। और अभी जो ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट्स आए हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें तो बहुत जबरदस्त ब्रेक थ्रू है, यानी कि आज हमारा अपना इम्यून सिस्टम अपने ही बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कार्टी सेल थेरेपी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, यानी कि नॉर्मली हर व्यक्ति के अंदर कैंसर डेवलप होते ही रहता है, मगर मैनिफेस्ट वही करता है जिसका इम्यून सर्वेलेंस खराब हो जाए, जिनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम जो कैंसर सेल्स को कंट्रोल में रखते थे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम इन जो ये जो इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स है, जो हमारे कैंसर सेल्स को कंट्रोल करते हैं, उनको टीच किया जाता है। दे आर टॉट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग सो दैट यू मेक दीज सेल्स सच दे कैन अटैक टू द स्पेसिफिक ट्यूमर सेल। तो उनको टीच किया जाता है और वो जाके स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल्स के आगे जाके डॉक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टेक्नोलॉजी है, दिस हैज मेड ए ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट फैसिलिटी नाउ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट 10 इयर्स आर गोइंग टू बी टू दैट। सो प्रोटोटाइप ऐसा है कि ये जो कार्टी सेल थेरेपी है, इसका इस्तेमाल हर कैंसर के लिए दिया जाएगा। और हाइपोथेटिकली और साइंटिफिकली और इस तरीके से अगर देखा जाए, तो हम हर कैंसर को ट्रीट कर सकने चाहिए इस टेक्नोलॉजी से। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है, भारत के अंदर इस समय नहीं है, मगर इसके ऊपर में काम काफी हो रहा है। हो सकता है अगले 4-5 साल में हिंदुस्तान के अंदर भी इस ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट हो सकेगी यहाँ पर पेशेंट्स को। ओके, तो ये जो लिम्फोमा के पेशेंट्स है वो टोटली क्योर हो सकते हैं? टोटल जो 70% मैंने बताया वो टोटल क्योर है जी। टोटल क्योर जो है वो 70%, यानी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्टेज में और कौन सा टाइप है। कुछ कैंसर है जो ट्रीटेबल नहीं है इसी में लिम्फोमा में, कुछ ट्रीटेबल है, सब के सब ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक लो ग्रेड होता है, एक हाई ग्रेड होता है। जो लो ग्रेड ट्यूमर्स है वो ट्रीटेबल नहीं है, हालांकि वो लो ग्रेड होते हैं, मगर इनको ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा नहीं होता। जो हाई ग्रेड है, जो बहुत फास्ट आते हैं, और फास्ट अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो जान भी ले जाते हैं। तो ऐसे लिम्फोमा को हम
ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसके डिविजन को ब्लॉक कर सकते हैं और उसको हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो जितने भी फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं उसका इलाज बहुत अच्छा है आज के डे जी। तो जितने भी लोग हैं जो लिम्फोमा से मतलब ग्रसित हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये मालूम पड़ा है कि आपको लिम्फोमा है तो आप घबराइए नहीं, आपकी स्टेजिंग हो जाएगी, उसकी टाइपिंग हो जाएगी, और टाइपिंग के बाद में एक बार आपको उसका डायग्नोसिस मिल जाए तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, आज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हर लिम्फोमा के टाइप के लिए है और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली जो यंग एज में आते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, जो लो ग्रेड्स हैं उसमें बहुत अच्छा इलाज नहीं, फिर भी लाइफ जो है आपको मिल जाती है, काफी लाइफ मिल जाती है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, हिम्मत रहिए, डॉक्टर्स के पास जाइए जो लोग इन चीजों का इलाज करते हैं, और उनसे अपने ट्रीटमेंट अच्छी तरह से लीजिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में हमने बात करी है एंड लोगों को अवेयर किया है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू।